एक बार मैं मिडल ईस्ट पहुंच जाऊं बस फिर देखना, वहां बैठकर तुम्हारे इस हथेली की ऐसी ऐसी रेखाएं खींचूंगा कि चांदी तुम्हारे लिए चिल्लर और सोना तुम्हारी जेबों में होगा। एक तो आपने मुझे आपके घर पे बुलाकर बेइज्जत किया, उसकी कीमत है ये। देखिए मैं मोफत में किसी की बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यानी कि आप वो पैसे नहीं लौटाएंगे? जी नहीं, आप दोनों को जो भी करना है वो करिए। भैया सोलम पाक, यहाँ की जाने दो ना, का मिजाज खराब हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? हम तुम्हारे गर्दन का हड्डा ढूंढ रहा हूँ, समझा? कम कपड़ा में जनाना को देख के तुम्हारा हड्डा गायब हो गया। 10 करोड़ आपके लिए या आपकी बेटियों के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा है। मम्मी हम इतनी दौलत का क्या करेंगे? तू नहीं जानती मुझे सारी जिंदगी काटनी इस दौलत के साथ और तुम दोनों की शादी करानी। अरुण थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। तुम्हारे दुबई से वापस आने के बाद मुझे जीना आ गया है, मेरी जिंदगी का हर पल खुशियों से भर गया। आपका पेशा शादियां तोड़वाना होता जा रहा है बंसल साहब। औरतों को एलिमोनी का लालच देकर आप इस तलाक जैसी परंपरा को उकसा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? यही नहीं, जो शादियां तलाक के कहर से बच सकती हैं उसको भी तोड़ने के जिम्मेदार आप बनते जा रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते के टूटने पर आपकी आमदनी निर्भर करती है। एडवोकेट बंसल, शादी जैसे पाक रिश्ते पर खतरा है। छोड़ो ना अरुण, देखा होगा कहीं। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो फिर इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? रेनू अगर ये आदमी वही है जो मुझे लग रहा है तो परेशानी की ही बात है। कौन वही? उस तरफ बिल्कुल मत देखो, तुम प्लीज मत देखो। तुम इतना टेंस क्यों हो रहे हो? रेनू मत देखो, ये आदमी अंडरवर्ल्ड के क्राइम का सरताज है। क्या? इसका एक खौफ है, एक दबदबा है। उसका नाम क्या है? दिनेश शाह उर्फ टाइगर उर्फ मुत्तुस्वामी। लेकिन उसका इंडिया में आना तो नामुमकिन था, उसके यहाँ पे आने पर पाबंदी लगाई गई थी। ही इज अ डेंजरस मैन, लेकिन यहाँ पे आया कैसे? जब भी देखिए आप यहीं बैठी होती हैं। कोई और कुर्सी इस घर में आपको पसंद नहीं आती? क्या करूं, वैसे मेरे तेरी एक बात की तारीफ जरूर करनी होगी, तो अब भी मेरे लिए वक्त निकाल लेता है। वरना बेटी की जिंदगी में जब कोई लड़की आती है ना तो माँ की कदर कम हो जाती है। कदर कम हो गई थी और इसलिए मैं दिल से अफसोस लेकर आया। कदर कम होने के बावजूद अब भी तू मेरी इतनी कदर करता है कि मेरे लिए काफी है। वैसे उस लड़की ने तेरे पे क्या जादू किया है? दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा है, उसे काबू में लाना होगा। बेटा प्यार पे बंदिश नहीं लगाते? दिल मेरे सर पे कभी सवार नहीं हो सकता मां, प्यार मेरे मकसद मेरे जुनून पर कभी हावी नहीं हो सकता। तू आज इतनी रुकी रुकी बातें क्यों कर रहा है? नहीं आज मैं ऑफिस में यही सोच रहा था कि मल्होत्रा इंडस्ट्री और आपके बारे में कई दिनों से सोचा ही नहीं है। हमारे बीच में सेतलाना का इतने दिनों से कभी जिक्र ही नहीं हुआ। उसके खिलाफ जो हमने जंग छेड़ी थी वो कहीं हमने बीच में छोड़ दी अधूरी? तेरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत चीजें हो रही थी कि मैंने सोचा कि मैं बदसूरत बातों का जिक्र भी ना करूं। एक फितरत अपने इस बेटे की आप जान लीजिए मां, रंजिश मुझे प्यार से कहीं ज्यादा दिलचस्प लगती है। प्यार में गीत गाने से बेहतर है कि मैं दुश्मनी निभाऊं। स्वेतलाने से हम बाद में निपट लेंगे, वैसे भी अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। कर तो बहुत कुछ सकते थे, ये शर्म की बात है कि मैंने सोचना छोड़ दिया। क्या कर सकते थे? स्वेतलाना पुलिस से डर के यहां भाग रही थी लेकिन उसे जमानत मिल गई और वो घर आ गई। लेकिन हम उसे घर से बेघर कर सकते। कैसे? चेयरपर्सन ऑफ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज रंजना देवी जी, मल्होत्रा इंडस्ट्री में एक नियम है, जो भी कंपनी का चेयरमैन या चेयरपर्सन होता है वो सेलर स्टेट में रहता है, क्योंकि चेयरपर्सन इस वक्त आप हैं, सेलर स्टेट में आप रहेंगी। कमाल है, ये छोटी सी बात मेरे जहन में भी नहीं आई। और इस नियम को निभाने के लिए
स्वेतलाना को सिल्वर एस्टेट छोड़ना होगा। क्या वो आसानी से घर छोड़ेगी? इट्स अ रूल, उसे छोड़ना होगा। शी विल हैव टू गो। सोनू रश्मि, यार कहां चले गए सारे? सोनू रश्मि, सोनू रश्मि। आई हैव रियली मिस्ड यू रोनी। ओह यस, हो गया है। जानती हो, अगर मुझे पता होता ना कि तुम मुझे इस स्टाइल से मिलोगी, और वो क्या कहते हैं, वो किसी ने सही भी कहा है कि इस स्टाइल से मिलने के लिए जुदाई बहुत जरूरी है, तुम एक काम करो, एक वादा करो कि मुझसे हर बार लौटते समय इसी तरह मिलोगी, मैं बार बार चले जाया करूंगा, ओके? एक्चुअली ना जाने, तुम्हारे बगैर मैं अपने आप को अधूरा महसूस करती हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस होने लगी है रोनी। अपनी भी किस्मत इसी तरह की है, तुम मिली भी तो इतनी देर के बाद कि कुछ चंद ही लम्हे रह गए हैं जिंदगी के तुम्हारे साथ गुजारने के लिए। अभी मायूसी क्यों है? हमारी जिंदगी में तो कोई कमी नहीं है। क्या बात है रोनी, सोनू का एडमिशन तो हो गया था ना? कि नहीं हुआ? हो गया, और यही तो बुरा हुआ। जानती हो, जब मैं पंचगनी जा रहा था ना, तो मुझे उस जगह की दूरी का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहां से वापस आ रहा था सोनू के एडमिशन कराने के बाद, तो मुझे लगा कि वो जगह कितनी दूर है। इतनी दूरी के लिए रश्मि, हमारा सोनू बहुत छोटा है। कभी कभी माँ बाप का प्यार बच्चे की तरक्की में रुकावट बन जाता है। सोनू का ये कुछ सालों का दूर रहने का दुख उसकी जिंदगी के लिए खुशी साबित कर सकता है, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। अभी तक तो मैं सोनू के साथ ठीक तरह से इकट्ठा रह भी नहीं पाया हूं। अब मेरा बेटा हॉस्टल चला जाएगा, देखते देखते बड़ा हो जाएगा, और फिर कुछ 3 महीने बाद वो फिर हमारे पास आएगा, और वो वहां मन लगाकर पढ़ेगा, और तुम यहां मन लगाकर अपने बिजनेस संभालो, क्योंकि तुम्हारे पिछले गमों का हिसाब तुम्हें चुकाना है। आधी उम्र तो मेरी बीत गई गम झेलते हुए, और अब जो बाकी की उम्र है ये बीत जाएगी गम से छुटकारा पाने में। तो मैंने तो ठीक तरह से जिंदगी जी ही नहीं ना। बुरा मत मानना रानी, स्वेतलाना से तुम्हारी शादी एक गलत फैसला था, और उसका जुर्माना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो रश्मि, अगर मेरी स्वेतलाना से शादी ना हुई होती, या फिर वो मेरी और सोनू की जिंदगी में ना होती ना, तो शायद हम लोग एक दूसरी ही जिंदगी बिता रहे होते। इस लिहाज से तो अच्छा ही है कि सोनू श्वेतलाना से भी तो दूर ही जा रहा है ना। लेकिन वो पीछा छोड़े तब ना, तुम्हारे खैर हसरी में वो यहां फिर आई थी, और उसने खूब तमाशा बनाया ना? यहां आई थी? हाँ, उसका वो पुराना बहाना लेकर सोनू से मिलना है। ये तो अच्छा था कि सोनू नहीं था, लेकिन उसने मेरी खूब बेइज्जती की। क्या उसने तेरी बेइज्जती की? उसकी ये मजाल? लगता है कि अब मुझे स्वेतलाना को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे बताया गया कि आपने मुझे याद किया है। जी हां, आपको याद दिलाने के लिए कि आप मेरे वकील हैं। याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाजत दें आप तो मैं जाऊं। आप आखिर चाहते क्या है? क्यों मेरी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? आप मुझे यहां से छुटकारा दिलाने की कोशिश क्यों नहीं करते?
या फिर आपको अच्छा वकील समझना ही मेरी गलती थी। देखिए सूरज, आपके केस में एक वकील जितना कर सकता है कर रहा है। क्या कर रहे हैं आप? खाक कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। मुझ पर और सुतलाना पर एक ही चार्ज था। पहले तो वो फरार रही, फिर अरेस्ट वारंट के बावजूद उसकी जमानत हो गई। जेल तो क्या, पुलिस स्टेशन जाने की नौबत तक नहीं आई। जब उसका वकील उसकी जमानत करवा सकता है तो आप मेरी जमानत क्यों नहीं करवा रहे? जवाब दीजिए। देखिए सूरज, आपने एक लफ्ज भी अपने मुंह से अब और निकाला तो आपके केस की फाइल आपके मुंह पर मारकर चला जाऊंगा। आपकी केस मुझ पर मेहरबानी नहीं है, मेरी मजबूरी है। अब मुझे इस मजबूरी से बचने का बहाना मत दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि सुतलाना की जमानत बाहर में जाए वो जमानत। देखिए, आपके हालात को ध्यान में रखते हुए आपसे हमदर्दी की वजह से मैं आपके ऊंचे सुर के कई राग सुन चुका हूं। अब बस, समझ गया? I'm sorry. सूरज, भले ही आप दोनों पर चार्जेस एक लगाए गए, लेकिन आपका केस अलग है, श्वेतलाना का केस अलग है। आपका वकील अलग है, श्वेतलाना का वकील अलग है। आप दोनों के हालात, कंपनी में पोजीशन अलग अलग थी, और फिर उन इल्जामों की सीधी जिम्मेदारी आप पर आती है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सूरज, उन कैनेडियन इंपोर्टर्स ने यह कबूल कर लिया है कि आपने एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल करवाए थे। ये झूठ है मिस्टर सुनील, ये सरासर झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है। मैं जानता हूं कि ये झूठ है, आप फंसते जा रहे हैं। आपका केस मुश्किल था, अब और मुश्किल हो गया है। तो प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक, आप मेरे लिए और मुश्किलात पैदा ना करें तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। देखिए, एक वकील के नाते आपके केस में मैं जितना कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आपको कम से कम नुकसान। मुझे आप भरोसा है। अभी भरोसा रखने के साथ साथ आप एक काम और कर लीजिए। कम से कम साल भर की सजा के लिए तो आप अपने आप को तैयार कर ही लीजिए। ओके, बाय। मिस्टर सुनील, प्लीज मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। मेरी वाइफ रेनू से कहिए मुझसे यहां आके मिल ले। जी जी, फरमाइए जी। ऋषभ जी यहाँ पर है। मैं जिस ऋषभ को जानती हूँ वो 6 फुट 1 इंच का है। अगर आप उसी ऋषभ की बात कर रही हैं और अगर वो यहाँ होते तो जरूर दिख जाते। जी, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। आप रक्षंदे जी है ना? सिर्फ रक्षंदा। और आप? जी हम पूजा हैं। माँ जी से आपका जिक्र सुना था। माँ जी? कौन माँ जी? रंजना देवी जी। ऐसा लगता है कि आप मल्होत्रा इंडस्ट्री के कई लोगों को जानती हैं। जी, यहाँ ऑफिस में ज्यादा लोगों को नहीं जानते। हाँ, मल्होत्रा परिवार के लोगों को हम जरूर जानते हैं। लेकिन मैं आपको क्यों नहीं जानती? आप जब मल्होत्रा परिवार की हो जाएंगी तब आप भी हमें जान लेंगी। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि अगर आप मुझे जानती है मैं आपको क्यों नहीं जानती। ना ऋषभ ने और ना ही रंजना देवी ने कभी आपका जिक्र किया। ये तो अपनी अपनी किस्मत है रक्षांदा जी। आपको जिक्र करने लायक समझा और हमें हमें चर्चा के लायक भी नहीं समझा। आप ऋषभ से मिलने आई हैं? जी, हम उनके लिए उनका खाना ले आए हैं। खाना? जी, हम दिन में उनके लिए एक बार जरूर घर से खाना ले आते हैं ताकि दोनों बार उनको बाहर का खाना ना खाना पड़े। आप ऋषभ के लिए घर से खाना बनाकर लाती हैं? जी। आप उनके रिश्तेदार हैं? हमारा उनसे क्या रिश्ता है इस वक्त तो हम आपसे नहीं कह सकते। आप हमें उनकी दासी ही समझ लीजिए। पता नहीं औरतें अपने आप को दासी क्यों बनाती हैं? इस तरह उनकी तरक्की कैसे हो सकती है? लगता है आप भी उन्हीं औरतों में से हैं जिनकी दुनिया सिर्फ किचन तक ही सीमित है। औरतों की आजादी के कई नारे हमने सुने हैं रक्षंदा जी। सिर्फ रक्षंदा जी, हम यही कह रहे थे। हमारे संस्कार तो हमें यही सिखाते हैं ना कि मर्दों की दुनिया है, वही तो तरक्की करते हैं। औरतों का काम है कि घर बार का काम संभाल लेना। माफ कीजिएगा, बड़ा दुख हुआ ऐसी धक्यानुसी संस्कार सुनते हुए। हम कहीं लोगों के लिए दुख बने हुए हैं, इसमें हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। आखिर क्यों पूजा, औरतें अपने आप को मर्दों की मोहताज क्यों बना देती है? मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत हूँ। बेशक बेशक आप हमारी तरह एक औरत है, पर आप किस्मत वाली है और हम बदकिस्मत। पूजा, तुम यहाँ? Thank you.
शंकर तू क्यों आया है यहाँ? 440 वोल्ट का करंट क्यों मार रही? शंकर तुझे देखकर तो मेरे सीने में आग लगती है, जरा सी तो शर्म कर। जानवर भी जिस घर के टुकड़े खाता है ना, उस घर की वफादारी उम्र भर करता है। मैडम जो भी है जैसी भी है, उनका नमक तूने खाया है, तेरी आत्मा राजी कैसे हो गई ये पाप करने के लिए? तूने पुलिस वालों की मुखबरी की? शंकर तेरे पिछले सारे पाप मैं माफ कर दिया हूं, लेकिन ये पाप भी माफ कर दिया ना तो मेरे गले से इस घर का निवाला नहीं उतरेगा। शंकर तूने तो गद्दारी की और ऊपर से उसमें मुझे शामिल कर दिया। जी शंकर, मुझे तो शर्म आती है अपने आप पर। मैं जानता था कि तू मुझे ये सब सुनाएगी। सुनीता आत्मा तो मेरी भी नहीं मान रही थी। मैं रात रात भर करवटे बदलती थी, सोचता था कि अगर मेन साहब का साथ देता हूँ तो तू पुलिस के लफड़े में आ जाती है, और अगर तू पुलिस के लफड़े में आ जाएगी तो मुझे कौन बचाएगा? मेम साहब को बचाने वाले तो कई हैं। मैं पुलिस के लफड़े में क्यों आती? मैंने सोचा था मैं तुझे नहीं बताऊंगा, लेकिन जरा सोच तो, जब मैं एक बार ये घर छोड़कर चला गया तो मैं वापस क्यों आया? पुलिस की मुखबरी करने के लिए मैं मजबूर क्यों हुआ? क्या 26 जनवरी की परेड में वो मुझे हाथी की सवारी करवाते तो फिर क्यों किया ये पाप? अरे तेरे वास्ते किया, मेरे लिए? अरे जब मुझे मालूम पड़ा कि CBI वाले इस घर के नौकर चाकर पे नजर गाड़े हुए हैं तो सबसे पहले मुझे तेरा ख्याल आया। क्यों, मैंने क्या किया था? सुनीता, जो मुजरिम की मदद करता है ना, तो कानून की नजर में वो भी मुजरिम है। इस घर में मेम साहब के फोन आते थे। तू अगर इस बात का इतरा पुलिस को कर देती ना तो तू इस लफड़े में नहीं पड़ती। तो क्या पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाती? और नहीं तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं पुलिस के लफड़े में पड़ता और यह मुसीबत मोल लेता? और तू है कि मेरे मुंह पे काली पोती जा रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तू यहाँ से चला जा, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। चल जाना। अच्छा। तुम यहाँ? जी हम आपका खाना लेकर आए थे। लेकिन यहाँ आने के लिए किसने कहा था? जी हम खुद आए। पिछले कुछ दिनों से आप काफी लापरवाह हो गए अपने खाने पीने के बारे में। पूजा, मैं कोई स्कूल जाता बच्चा नहीं हूँ, अपनी देखभाल करना आता है मुझे। जी आजकल ऑफिस में आपकी जिम्मेदारी। कम ऑन पूजा, प्लीज स्टॉप इट, इनफ इज इनफ। मुझे जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद तुम्हें बता दूंगा, और अब शायद मुझे तुम्हारी जरूरत ना पड़े। जी ये तो हमारी जिम्मेदारी है, आप हमें चाहे जितना भी डांट फटकार ले हम तो सहन ही कर लेंगे। पूजा, तुम्हारा इस तरह ऑफिस आना और जबरदस्ती अपनी जिम्मेदारी निभाना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद इस तरह ऑफिस में मत आना। जी अच्छा, हम चले जाते हैं और ऑफिस में आने की क्षमा चाहते हैं। गुस्सा बुलाकर खाना खा लीजिएगा। पूजा एक मिनट, इस डब्बे को भी अपने साथ लेती जाओ, मुझे भूख नहीं है। जी आप बेशक हमसे रूठिए, खाने से रूठा नहीं करते। प्लीज ऋषभ रक्षंदा जी, इनकी बातें सुनकर आपको जितना बुरा लगता है उतना बुरा हमें नहीं लगता। इनकी बातें सुनने की हमें आदत है। पर हाँ ऋषभ जी, हो सके तो नानी माँ से वृद्धाश्रम में मिलने जाइएगा। बेगा